बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज मुहर्रम अराइन। तो बालों को इग्नोर करना सो गाइस, और बाल काफ़ी अच्छे नहीं लग रहे। क्या मैंने बोला बारिश हो रही है, गीली हो जाएगी, तो अभी हो रही है बारिश। में देख रहे होंगे वट बादल चारों तरफ छाए हुए हैं। तो कल भी बारिश हुई थी, कल का सीन है, मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ। जैसे कि आपने कल का सीन देखा, तो कल काफ़ी बारिश हुई थी, मेरा मूड हुआ वीडियो बनने का, मैंने एक शॉट ले लिया था। तो मसला ये है कि फॉरेन कंट्री में अगर 10 मिनट बारिश हो जाए तो वहाँ पर 10 मिनट बारिश हो जाए तो 10 मिनट में ही मतलब जो है ना सारा मतलब रोड वोड साफ कर दे। यहाँ पर 10 मिनट में पूरे रोड, ऐसा लगता है कि रोड ही गायब हो गए। पाकिस्तान में ऐसा होता है, प्रॉब्लम पाकिस्तान ही है, प्रॉब्लम पाकिस्तान के पॉलिटिशियन है। और हमारे यहाँ जो है एक साहब है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, समझ तो गए होंगे आप, ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, तो आपने जैसे कि सुना होगा। और मसला यह है कि बारिश जैसे कि रहमत है, यहाँ पर पाकिस्तान में बन जाती है जहमत। क्यों पाकिस्तान में बन जाती है जहमत? क्यों? क्योंकि हमारा निज़ाम ऐसा है पाकिस्तान का। तो अल्लाह हाफिज़ है, खैर है, अल्लाह पाक तरक्की दे और तरक्की याफ्ता करे पाकिस्तान को। और बात कुछ ऐसा है कि कल भी बारिश बहुत तेज़ हुई थी, आज भी काफ़ी तेज़ हो रही है। आज भी काफ़ी तेज़ नहीं हो रही है, अभी बूंदाबांदी हो रही है। और इसके बाद जो है आपको मैं एक सीन बताऊंगा, जैसे कि टाइटल आप पढ़ रहे हैं। आई आज रिपोर्ट लेने जाऊंगा, तो रिपोर्ट लेके आऊंगा, देखते हैं क्या ये रिपोर्ट, तो वो भी सीन दिखाएंगे। उससे पहले जो है बारिश का कुछ व्यू दिखाएं और बारिश को इंजॉय करते हैं। और अगर तेज़ होती है तो ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। सोचना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, तब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। कुछ ऐसा माहौल हो जाता है हमारी गली का और पूरी सोसाइटी का, बारिश के बाद ऐसा माहौल होता है, आप देख सकते हैं, चेक इट आउट। अभी तो पूरी तरीके से बारिश भी नहीं हुई, तो जैसे कि आप देख सकते हैं बारिश के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया था 10 मिनट बाद जो है फॉरेन कंट्री में जो है 10 मिनट बारिश हो तो पूरा मतलब हालत बुरा, रोड साफ कर देते। यहाँ पर 10 मिनट बारिश हो जाए तो रोड ही गायब हो जाते हैं, आपको सामने दिख रहा होगा रोड सारा गायब है। और ये हमारे गली के बच्चे हैं। तो फाइनली रिपोर्ट आ गई है, मैं ले आया था कल बारिश आपने देखी होगी सीन, कल बारिश हो रही थी। तो आज दूसरा दिन है, आज बारिश नहीं है, मौसम बिल्कुल साफ लगा पड़ा है, थोड़े थोड़े बादल हैं। तो दिस इज़ माई COVID-19 रिपोर्ट, ये मेरी COVID-19 रिपोर्ट है। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या ये भाई को खांसी तो हो रही है। आप ये नहीं बोलना नौटंकी कर रहा हूँ, नौटंकी बिल्कुल भी नहीं कर रहा, आप भाई को खांसी है। तो देखता हूँ, आपको पढ़ के बताता हूँ रिपोर्ट क्या आई है। डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च लेबॉरिटरी, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस, जामशोरो हैदराबाद। तो भाई की PCR COVID-19 डिटेक्टेड है, मजाक कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नेगेटिव रिज़ल्ट आई है, मतलब कि नॉट डिटेक्टिव, ये लिखा हुआ है नॉट डिटेक्टेड, आपको दिख रहा होगा नॉट डिटेक्टेड। तो क्यों मैंने रिपोर्ट ये करवाई, इसकी वजह क्या थी, तो मैं आपको बताता हूँ। तो इसलिए मैंने रिपोर्ट करवाई, ये मेरे दोस्त को हो गया था COVID-19, तो उसने भी अचानक रिपोर्ट कराई तो उसको निकला COVID-19। तो मैं उससे एक दो दिन पहले मैं उसके साथ बैठा था, फिर मैंने बोला यार भैया करवानी पड़ेगी। तो हम दो दोस्तों ने COVID-19 की रिपोर्ट करवाई, तो उसमें से
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों की नेगेटिव आई है, तो शुक्र है अल्लाह पाक का, और अल्लाह करे COVID-19 ख़त्म हो जाए। तो दिस इज़ माई व्लॉग, आपको अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, प्रेस द बेल आइकॉन और नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, आपका भाई और आपका दोस्त उमर फारूक मिलेगा अपने अगले व्लॉग में। तब तक अल्लाह।